और इस वक्त एक आपको बताऊं कि ये तस्वीर, ताज़ा तस्वीर, नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे के बाद अभी अभी नई दिल्ली पहुंचे हैं और ये तस्वीर सीधे जो आप देख रहे हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीर है। मोदी 26 से 30 सितंबर तक अमेरिका के यात्रा पर थे और उस यात्रा को पूरा करने के बाद अभी अभी वो नई दिल्ली लौटे। तो प्रधानमंत्री अमेरिका उनका जो दौरा था जिसको लेके काफ़ी उत्साह और तमाम चीज़ें थी कि अमेरिका के इस दौरे को लेकर जब बातें हो रही थी और जिस तरीके से मोदी ने अमेरिका में भाषण दिया, मोदी में तमाम लोगों से मुलाकात की, अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, वो तमाम चीज़ें लगातार इस दौरे की अहमियत को और बढ़ा रही थी और उस दौरे को पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अभी अभी नई दिल्ली वापस लौटे। आपको बता दूं कि कल 2 अक्टूबर है और कल दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वो सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके लिए सुबह से ही दिल्ली में 7:30 बजे से उनका कार्यक्रम। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें वीके सिंह, प्रभात झा, तमाम लोग एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। रामविलास पासवान भी देखे जा सकते हैं, जबकि काफ़ी बड़ा एक जो पूरा एक अमला था वो प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका गया था जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल थी। लेकिन ये तमाम लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे। दिल्ली एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं, अमेरिकी दौरे से लौटे हैं। अलग अलग पैमानों पर अलग तरीके से इस दौरे को आंका जा रहा है, लेकिन कम से कम लोकप्रियता के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएस दौरा सुपरहिट रहा है। चाहे वो उद्योगपतियों के बीच क्यों ना पहुंचे हों, चाहे उनकी बराक ओबामा से मुलाकात क्यों ना हुई हो, चाहे वो अप्रवासी भारतीय क्यों ना रहे हों जो मैडिसन स्क्वायर पर किसी रॉकस्टार की तरह उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, सब स्वागत में वहां पर लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि जो कुछ आप देख पा रहे हैं, जो तैयारियां वहां पर दिख रही हैं, जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, वो बताएं। श्वेता, यहाँ करीब 7:45-8 बजे के आसपास दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ जमा होना शुरू हो गए थे। हालांकि कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, करीब 100-150 कार्यकर्ता थे और 50-60 बैंड वाले थे, लेकिन और वे सारे बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए, उन्होंने अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया, वो अपनी एक हाई सिक्योरिटी पैरामीटर को तोड़ के वे उतरे और न केवल उतरे बल्कि टेक्निकल एरिया के ठीक सामने एक छोटा सा मैदान है जिसे सिक्योरिटी वाले हमेशा सैनिटाइज रखते हैं, आज वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अलाउ किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद उतरकर उस दीवार तक आए और उन्होंने करीब 2 से 3 मिनट वहां खड़े होकर लोगों को हाथ हिला के अभिवादन किया और उस बदले में पूरी वहां पर मोदी मोदी के नारों से पूरा पालम टेक्निकल एरिया एक तरह से गूंज उठा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक सरप्राइज के तौर पर वहां से करीब 15 से 20 मीटर आगे तक वो चलते हुए गए और जहां तक आखिरी भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा था वहां तक वो गए और उन्होंने वहां तक हाथ हिलाकर सारे लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद वो वहां पर फिर अपनी कार में बैठे और वापस 7 RCR के लिए चले गए। यहां पर खड़े लोगों के लिए ये एक बेहद चौंका देने वाला नजारा था, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री उतर के और करीब 2 से 3 मिनट रुक के उनको हाथ हिलाएंगे और उनके साथ उनको प्रधानमंत्री को साक्षात देखने का मौका मिलेगा। श्वेता, उन तस्वीरों का इंतजार हमें रहेगा ब्रजेश, उन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें बीजेपी के तमाम नेता, सांसद सब नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं जो इतनी लंबी यात्रा के बाद और उससे भी बढ़कर अमेरिका में 5 दिन का दौरा और उससे पहले से नवरात्र के व्रत पर हैं। यानी दिन में अगर वो कुछ खाते पीते हैं तो सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी, उसके बूते जो ऊर्जा नजर आ रही है, वो जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बाहर निकलकर किस तरीके से चलकर आगे तक बढ़े थे,
वो कार्यकर्ताओं का उत्साह और नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, यहां पर रामविलास पासवान के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल से सफाई अभियान की शुरुआत है, बस आज रात भर का विश्राम है, बस आज रात भर का आराम है। 5 दिन के अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं हिंदुस्तान वापस। पालम टेक्निकल एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता और सांसद पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। प्रधानमंत्री यहां से बाहर भी निकल चुके हैं, जहां पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, और वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ दूरी तक पैदल चलकर उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया। लोग इंतजार कर रहे थे दरअसल, क्योंकि यहां से भी नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम बेहद व्यस्त होने वाला है। अभी अमेरिका से लौटे हैं, कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि करीब 50 ऐसे छोटे बड़े आयोजन थे जिसमें उन्होंने शिरकत की, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिखर वार्ता भी शामिल थी, अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात भी शामिल थी। और उसके बाद जब वो वापस लौटे हैं तो कल सफाई अभियान की शुरुआत वो करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। राजघाट से इसकी शुरुआत होगी, सवेरे सुबह 7:30 बजे से ही शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद जब यहां से फुर्सत पाएंगे तब वो निकलेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए। वहां पर विधानसभा चुनाव है और नरेंद्र मोदी वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। दूसरी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी के इंतजार में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे। अपने 5 दिन की सफल अमेरिका यात्रा से नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ गए हैं। टेक्निकल एरिया से बाहर निकलते ही नरेंद्र मोदी ने देखा कि उनके समर्थक भारी मात्रा में बाहर खड़े हैं, तो उनसे रहा नहीं गया, वो गाड़ी से बाहर निकल कर आए, कम से कम 5 मिनट तक समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उसके बाद आगे बढ़ते गए। यानी कि समर्थक जो उनके समर्थन में आए थे, उनकी सफल अमेरिका यात्रा की उनके बधाई देने आए थे, उनके बारे में यहाँ पर उनको उनसे रहा नहीं गए थे, उनके उनको उनके बधाई को स्वीकार करते हुए यहाँ उतर गए थे अपनी गाड़ी से। हमारे साथ जयप्रकाश दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी और महामंत्री भी हैं। जयप्रकाश जी, आप लोग समर्थन में आए थे, क्या आप लोग क्या संदेश? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर जाकर स्वागत किया, वो बड़े खुश थे और जब उनका स्वागत किया पूरा देश आंख के छप बिछा करके उनका इंतजार कर रहा है, उनके स्वागत में खड़ा है। मोदी ने आपसे क्या कहा अंदर? मोदी जी ने कहा आपको कैसा लगा? हमने पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति आम आदमी आपकी यात्रा ऐतिहासिक यात्रा से गौरवान्वित है, और ऐसा पहली बार लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर भारत सभा का डंका बजा का है। ब्रह्मांड के नेता हो गए, ब्रह्मांड के नेता। चलो कम से कम पार्टी के नेताओं का तो यही मानना है कि नरेंद्र मोदी ब्रह्मांड के नेता हो गए, और स्वागत में तमाम यात्रा आप देख रहे हो, जय जयकार के नारे अभी तक यहाँ पर लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के स्वागत के नारे यहाँ पर अभी तक लग रहे हैं। तो एक चीज तो तय है कि स्वागत के लिए